मानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर है याचिका। मुंबई के ललित होटल को बम से उड़ाने की धमकी, दो आरोपी गुजरात के बलसाड से गिरफ्तार। हैदराबाद में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, तनाव का माहौल काबू करने में जुटी पुलिस। यूपी के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। मयंक अग्रवाल कर रहे खास शॉट का अभ्यास, वनडे टीम में जगह बनाने का इरादा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का, आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी ने प्रदेश में यमुना और बेतवा नदी के प्रवाह क्षेत्र के यूपी में बाढ़ के मद्देनजर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। यही जिला अधिकारी से मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान के कोटा बैराज और धौलपुर में पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गाँवों और शहरों में लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाने की निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहें। गाजियाबाद में जेएनयू कुलपति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को आघात पहुंचा है, कट्टरपंथी देशों से फंडिंग लेकर हिंदुओं की एकता को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। जेएनयू के कुलपति के द्वारा जो बयान दिया गया है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एकदम इस तरह का बयान है कि जिसपे पूरे समाज में उबाल है, और केवल भगवान महादेव को नहीं, भगवान विष्णु जी को भी नहीं छोड़ा है, देवादिदेव महादेव की भी जाति बताने का जो काम किया गया है। ये जेएनयू के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बयान अचानक दिया है, एक सोची समझी रणनीति है, और विदेशी ताकतों के इशारे पर सनातन धर्म को कमजोर करने की उन्होंने ये सब प्रयास किया है और पूरा मखौल उड़ाया गया है। भगवान शंकर जी आदि अनादि हैं, उनकी जाति कोई बता नहीं सकता। जब दुनिया में कोई नहीं था तब महादेव थे, इसलिए मैं उनके खिलाफ FIR लौनी थाने में कराई है, और उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। कानपुर के जूही बारा देवी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सीवर लाइन जाम है, जिसकी वजह से सीवर ओवरफ्लो होकर क्षेत्र में बह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीवर का दूषित पानी पूरे क्षेत्र में भरा हुआ है। लोगों ने कई बार कानपुर नगर निगम सहित स्वास्थ्य विभाग से शिकायत भी की और फैलने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में लोगों ने योगी जी से डायरिया से बचाव के पोस्टर लेकर गुहार लगाई है। सर जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा बच्चे खेलते हैं और उनके दाने निकले, बीमारी है, डायरिया है, और हर जगह हम शिकायत करते घूमते हैं। कोई कहता है 3 बजे आ जाएंगे, 2 बजे आ जाएंगे, कोई नहीं आता, और ये कहते हैं हर समस्या हल हो जाएगी, और हर जगह कहते हैं कोई नहीं सुनता है। आज योगी जी के पोस्टर लगा रखे हैं। हाँ, तो इसीलिए पोस्टर लगा रखे हैं कि हमारी कहीं से नहीं सुनवाई होगी, योगी जी से सुनवाई होगी। अब आप लोग आए तो आप लोग से भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप ही लोग माने संदेशा भेजे, कम से कम हमारी सुनवाई तो हो सके। मथुरा में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और उससे सटे ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित कामों की संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर अयोध्या, मथुरा, काशी के धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए हाई पावर कमेटी पहले से ही गठित की गई है। जो 20 तारीख को जो यहाँ घटना हुई थी उसके संबंध में पड़ताल करने के लिए आज यहाँ पर मैं आया हूँ, और वो घटनाक्रम क्या था उसके बारे में लोगों से बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए या क्या परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है,
उस सब चीज़ के बारे में आज विस्तार से चर्चा की है। यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स थे, प्रशासन के लोग थे, जो पत्रकार थे, सबसे बात की गई है। अब इस पर मंथन करके हम लोग जो कमेटी है, जिसमें कि पूर्व DGP साहब भी उसके उसके अध्यक्ष हैं, हम लोग चर्चा करके और फिर इसको और कैसे इसमें और बेहतरीकरण हो सकता है, उस पर हम लोग रिपोर्ट शासन को सबमिट करेंगे। कुशीनगर के कसिया नगर पालिका में वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कैफून अली उर्फ मजनू ने समाजवादी पार्टी छोड़ बसपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने नगर सीमा पर पहुंचते ही गर्मजोशी के साथ ढोल नगाड़ा बजाकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक कसिया बस स्टैंड के बगल क्लब में सदस्यता ग्रहण कर सम्मान समारोह सभा को भी संबोधित किया और अपने साथ साथ कुछ लोगों को भी सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ता थे बहुजन समाज पार्टी में, हम निरंतर 15 वर्षों से काम किया और बहुजन समाज पार्टी की नीत हमको अच्छी लगी। कुछ कारण बस पिछला चुनाव हमने बहुजन समाज पार्टी से अप्लाई किया और कुछ त्रुटि हुई या हमसे हुई हो या पार्टी के कुछ नेतागण से हुई हो, जिससे हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़े और हम निर्दल चुनाव लड़कर और नगर पालिका का चुनाव जीते। उसी दौरान कुछ त्रुटियां हुई जो बहुजन समाज पार्टी को हमें छोड़ना पड़ा। बीच में हम समाजवादी पार्टी में गए थे कुछ दिनों के लिए, किसी के साथ गए थे, पुनः मेरी घर वापसी हो गई। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ही स्वच्छता अभियान चलाकर और सबको जोड़ने का काम, सब समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उसी क्रम में आज हम लोगों यहाँ के प्रतिनिधि जिला नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति कैफिर अली मजदूर जी का ज्वाइनिंग हुआ है। पूरे परिवार के साथ इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी के मोहल्ला बसबिरवा में बुखार से एक हफ्ते से 6 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मौजूदा विधायक ने संज्ञान लेते हुए CSC अधीक्षक को सूचित कर मेडिकल टीम को गांव में भेजा। CSC अधीक्षक ने नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने वहां दवाएं भी बांटी। जानकारी के मुताबिक मेडिकल टीम 6 दिन तक गाँव में कैंप लगाएगी। वहीं नगर पालिका परिषद ने भी गाँव में दवाइयों का छिड़काव कराया। खबर मथुरा से है, जहां पर अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर अयोध्या मथुरा काशी के धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए हाई पावर कमेटी पहले से ही गठित की गई है, जो हर 3 महीने के बाद धर्म स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती है। बैठक अभी हम लोग अलग से करेंगे। आपने देखा अभी श्री कृष्ण जन्मोत्सव 19 तारीख को हुआ, संपन्न हुआ, इस खूबसूरती से परिसर में संपन्न हुआ है। आम जनमानस को जिस तरीके से दर्शन कराया गया जन्मोत्सव के दौरान, हम नियमित रूप से मिलते हैं। विगत समय यहाँ बातें हुई थी, उसका आज परीक्षण हुआ कि जो जो चीज़ों पर निर्णय हुआ था, कौन कौन सी चीज़ों में प्रगति हुई है, जो चीज़ें अभी शेष हैं या कुछ और जो नई चीज़ें आई हैं, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। औरैया कोतवाली क्षेत्र के पुरवा NH2 के पास एक DCM ट्रेलर ने पीछे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें DCM चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में राहगीरों ने दोनों को गंभीर अवस्था में नजदीकी CSC में भर्ती कराया, जहां पर दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।